मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य में 84 दुकानों की शुरुआत की गई। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर्स से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध होंगी। उपभोक्ताओं को दवाइयों की MRP पर न्यूनतम 50% और अधिकतम 71% छूट का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जेनरिक दवाएं सस्ती जरूर हैं, लेकिन ये ब्रांडेड कंपनी की दवाएं हैं। जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जेनरिक दवाई सस्ती जरूर है, लेकिन ये ब्रांडेड कंपनियों की दवाई है, तो लोग ये ना समझे कि क्वालिटी में किसी प्रकार के कोई समझौता हुआ, उसमें क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया में महंगे होते स्वास्थ्य सेवाएं चिंता का विषय है। दुनिया के लगभग आधी आबादी केवल पैसों की कमी के कारण अपनी बीमारियों का उचित उपचार नहीं कर पाती। लगभग 10 करोड़ लोग बीमारी के महंगे उपचार के कारण कर्ज और गरीबी का शिकार हो जाते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत प्रदेश के 169 शहरों में 190 मेडिकल स्टोर्स प्रारंभ करने की योजना है। इन मेडिकल स्टोर्स में 251 प्रकार की जेनरिक दवाइयां तथा 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य होगी। जेनरिक दवाइयां 20 ब्रांडेड कंपनी की होंगी, जो सस्ती होने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण भी होंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दवाइयों के होम किट और ट्रैवल किट का लोकार्पण भी किया। यह किट जेनरिक मेडिकल स्टोर में विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के 15 नगरीय निकायों में भी श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स की शुरुआत हो गई है। इस दौरान कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के लोगों को भी सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध होंगी। हमारे जो धन्वंतरी शॉप्स है, इसमें जो मेडिसिन्स हैं ये सभी ब्रांडेड कंपनियों के जेनेरिक मेडिसिन्स हैं। इनमें गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया है। मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ उन शॉप से आधिकारिक दवाइयाँ लें और अपने पैसों की बचत करें और इसका उपयोग अन्य कार्यों में करें। इस अवसर पर जांजगीर में विधायक नारायण चंदेल, जांजगीर नैला नगर पालिका के अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल और चांपा नगर पालिका के अध्यक्ष जय थवाइत भी मौजूद थे।